देख, यहां पे मेरे पापा ने मुझे गोद में उठा रखा है। यहां पे झूला झुला रहे हैं मुझे। और ये देख कैसे मुंह सजा के खड़ी हूं। डॉल टूट गई थी मेरी, रात के 1 बजे दुकान खोल के ना, तेरी किसकी दुकान थी खुलवा के, और वास में ले एक नई डॉल लेकर आए। सारे प्यार करते हैं यार। बचपन में जितनी बार मम्मी को तंग करती थी ना, पापा के पीछे जाके छुप जाती थी, हर बार बचा लेते थे मुझे। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं जीजा, I can't. तू मेरी बात सुन। मैं अपने पापा को कुर्बान नहीं कर सकती हूँ। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ कि मैं अपने पापा को झोंक दूँ उस खाई में। नहीं, इससे बेहतर मैं ही मर जाऊँ। कोई नहीं जानता इन सारी शक्तियों का खजाना इस कंगन में दबा हुआ है। ये वो कंगन है जो कभी तंत्र मंत्र की महारानी इमेलिया के हाथों में रहा करता था और वहां से हमारे पास पहुंचा है। कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने इस कंगन की शक्तियां पाने के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है कि हमारी तपस्या पूरी हुई। काल की अमावस्या पे इस खानदान की बेटी 21 वर्ष की होगी, और उसके 21 वर्ष के होते ही हम उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और हम अमर हो जाएंगे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति, हम चंद्रप्रभा। लेकिन उस लड़की और हमारे बीच एक इंसान आ सकता है, जल्दीराम। पर इसका तोड़ भी उस लड़की ने हमें दे दिया। वहां विधि शुरू हुई और जल्दीराम की आत्मा हमसे मिलने आएगी, और हम उसका इतना बुरा हाल करेंगे जो हमने मयूरी का भी नहीं किया। मयूरी की तो सांसें चल रही हैं, लेकिन हम जल्दी राम को इस दुनिया से ही विदा कर देंगे। अब बस इंतजार है तो काल की अमावस्या का। तू नहीं जानती कि तू सबको देने वाली है, अपने पिता को, अपने प्यार को, और सबसे बड़ी चीज खुद की पहचान को खो देने वाली है तू। आज तक अपने माँ बाप से ना लिया है मैंने, कुछ कर ही नहीं पाई उनके लिए, और ये मेरे भगवान का इशारा है, मुझे मौका दे रहे हैं वो कि मैं कुछ कर्ज उतार पाऊं, थोड़ा सा मुझे करना होगा। तुझे क्या सच में लगता है कि हम अपने माँ बाप का कर्ज उतार सकते हैं कभी? हाँ, तेरी ये कुर्बानी जाया जाएगी। तू अगर कुर्बानी दे भी देती है तो टीटू अंकल, सोफिया आंटी, वो तो रह नहीं पाएंगे तेरे बिना। हाँ, वो तो जीते जी मर जाएंगे, फिर क्या मतलब है इसका? और मैं क्या करूंगा तेरे बिना? हाँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, और पापा मम्मी नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। तो इन सब लोगों की जान तेरे ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा मत बोल प्लीज।
प्लीज जीजा प्लीज प्लीज ऐसा मत मैं क्या करूं सीबी देख कई बार हमें चीजें सिर्फ भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए सब सही होगा अब तो सारे रास्ते खुल गए हैं काल की अमावस्या पे हमारे सारे सपने पूरे होंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़